हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग बिहार एसटीईटी के लिए कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर मेमोरी टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है। और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखते हैं तो मेमोरी से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है एग्जाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 51 है। वेन ए रैम मॉड्यूल पासेज द चेक बोर्ड टेस्ट इट इज, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब एक रैम मॉड्यूल पास करता है चेक बोर्ड टेस्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोबेबली गुड, यानी जब भी रैम मॉड्यूल चेक बोर्ड टेस्ट को पास करता है तो ये प्रोबेबली गुड होता है, यानी अच्छा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर प्रोबेबली गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एड्रेस लाइंस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 2K x 4 मेमोरी चिप, तो 2K x 4 मेमोरी चिप के लिए कितने एड्रेस लाइन की ज़रूरत होती है, आपको ये आंसर बताना है। तो इसमें टोटल एड्रेस लाइन की ज़रूरत होती है 11, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म रैंडम एक्सेस मीन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है अगर हम मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनी एड्रेस कैन बी एक्सेस इन एनी ऑर्डर, यानी किसी भी एड्रेस को आप किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54th क्वेश्चन है। डाटा इज रिटन टू एंड रीड फ्रॉम द डिस्क वाया मैग्नेटिक डैश हेड मैकेनिज्म इन द फ्लॉपी डिस्क, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं एक डिस्क वाया मैग्नेटिक डैश हेड, तो यहाँ मैग्नेटिक डैश होगा या सिलेंडर रीड राइट रिकॉर्डेबल क्लस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रीड एंड राइट, यानी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो किस टाइप के रोम को इरेज किया जा सकता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको हम लोगों ने मेमोरी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो होता है, यानी डबल ईप्रोम, उसे हम इलेक्ट्रिकली सिग्नल के द्वारा इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डबल ईप्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिपिकली हाउ ऑफन इज डी रैम रिफ्रेश्ड, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि डी रैम को कैसे रिफ्रेश किया जाता है। इसमें आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको टाइमिंग बताना है कि कितने टाइमिंग में इसको रिफ्रेश किया जाता है। तो इसको जनरली रिफ्रेश करने के लिए 4 से 16 मिली सेकेंड आपको मिली माइक्रो सेकेंड आपको चाहिए इसको रिफ्रेश करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 4 से 16 माइक्रो सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम रिटेन डाटा वेन द डैश, यानी रोम डाटा को रिटेन करता है अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो या ऑन रहे तब, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो रोम और रैम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
रोम जो होता है वो परमानेंटली डाटा को सेव करके रखता है, तो हमारा सिस्टम अगर ऑफ हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए फिर भी वो डाटा को सेव करके रखता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव सही है इसमें से तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इनमें से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट इसमें से स्पिंडल एक हार्ड डिस्क पार्ट है, प्लेटर भी एक हार्ड डिस्क पार्ट है, और रीड राइट तो हार्ड डिस्क पार्ट है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वाल्व एक हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमिक मेमोरी सेल्स स्टोर ए डाटा बिट इन ए डैश, तो डायनेमिक मेमोरी सेल्स जो डाटा को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? तो जो डायनेमिक मेमोरी सेल्स स्टोर करता है डाटा को वो आपके कैपेसिटर के फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट में टाइप जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू फंक्शन डज ए डी रैम कंट्रोलर परफॉर्म, तो इसमें से बताना है डी रैम का दो फंक्शन जो कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के द्वारा फंक्शन किया जाता है। तो जो एड्रेस को मल्टीप्लेक्सिंग करने का काम होता है और रिफ्रेश ऑपरेशन जो होता है वो डी रैम कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिफ्रेश ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच पिन ऑन द रैम चिप्स डज द एड्रेस डिकोडर कनेक्शन इन ऑर्डर टू सिग्नल विच मेमोरी चिप इज बीइंग एक्सेस्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चिप इनेबल। चिप इनेबल जो होता है वही इस रैम चिप पे लगा रहता है जो कि एड्रेस को डिकोड करने के साथ साथ एक सिग्नल कनेक्ट करता है मेमोरी के साथ, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका चिप इनेबल यानी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली यूज टू इनिशलाइज ए कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, तो इनमें से कौन सा वैसा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को इनिशलाइज करने के लिए यूज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बूट स्ट्रेप मेमोरी। बूट स्ट्रेप मेमोरी जो कि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में रहता है और वही हमें हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने में और स्टार्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉस फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव डैश, तो डॉस फ्लॉपी डिस्क में कौन सा इनमें से नहीं होता है जो डॉस फ्लॉपी डिस्क का पार्ट नहीं है इनमें से? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो एक डॉस फ्लॉपी डिस्क का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बायोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज डॉस फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव, तो इनमें से कौन सा डॉस फ्लॉपी डिस्क नहीं है ये आपको बताना है। तो जो वर्चुअल मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्चुअल मेमोरी, ये एक डॉस फ्लॉपी डिस्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्निक डेट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसके कारण मेन मेमोरी के स्टोरेज उसका जो ओरिजिनल क्षमता होता है उससे बढ़ाकर ज़्यादा किया जाता है? तो उस टेक्निक को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं और इससे
हम मेन मेमोरी के स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीगा बाइट? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जीगा बाइट क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रफली ए बिलियन बाइट्स। जीगा बाइट जो होता है एक लगभग बिलियन बाइट्स के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की डेट इट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। उस की का नाम बताना है जो कि डेटा को इरेज कर देता है कंप्यूटर मेमोरी से और कैरेक्टर जो भी अगर स्क्रीन पे लिखा हो। तो उस की को हम बोलते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट की बेसिकली एक ऐसा की है जो कि हमारे सारे मेमोरी के डेटा को इरेज कर देगा और कैरेक्टर्स जो भी स्क्रीन पे होंगे उसे भी डिलीट कर देता है। इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस डैश। तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो रेफर करता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और प्लस डैश, इसके साथ साथ क्या एक नेक्स्ट टर्म होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल के वीडियो में जो इसका पार्ट वन है इसमें हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम टाइम डिले रिक्वायर्ड बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन इज नोन एज। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिनिमम टाइम डिले जो कि रिक्वायर होता है इनिशिएशन के लिए, चालू करने के लिए टू सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसमें मिनिमम टाइम डिले को हम मेमोरी साइकिल टाइम बोलते हैं, मेमोरी साइकिल टाइम, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड लास्ट इज ऑन टॉप एंड इज रिट्राइव फर्स्ट इज नोन एज। तो उस इंफॉर्मेशन को सबसे टॉप पे रखा जाता है और उसे सबसे पहले रिट्राइव यानी अपटेन किया जाता है, वैसे मेमोरी को क्या कहते हैं। तो उस मेमोरी को हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक के फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन रखा रहता है सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे, और जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये सबसे पहले, फिर ये और उसके बाद ये, तो ऐसे डेटा को रिट्राइव किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, स्टैक जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विल फंक्शन ओनली इफ इट इज। तो ये कंप्यूटर जो होता है वो फंक्शन करेगा सिर्फ कब, ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है। तो एक कंप्यूटर विल फंक्शन ओनली इफ इट है जब प्रोग्राम इन इट्स मेमोरी। अगर इसके मेमोरी में अगर कोई प्रोग्राम है तभी ये कंप्यूटर फंक्शन करेगा, वरना ये फंक्शन नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवेन द करेक्ट आंसर इज हैज ए प्रोग्राम इन इट्स मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर विच कंटेन्स द डाटा टू बी रिटेन इन टू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस्ड लोकेशन इज कॉल्ड। तो उस रजिस्टर का नाम बताना है आपको। तो उस रजिस्टर का नाम है मेमोरी डाटा रजिस्टर, और बेसिकली ये ऐसा रजिस्टर है, एक मेमोरी है जो कि डाटा को कंटेन करता है और इसको रिटेन किया जाता है और रीड आउट किया जाता है इनटू एड्रेस्ड लोकेशन फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी डाटा रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन करेंटली बींग एग्जीक्यूटेड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ एमोंग द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड। तो इनमें से कौन सा मेमोरी कैपेबल होता है ऑपरेटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी आर द मेमोरी विच आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी इज डैश। इनमें से ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के बारे में इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट हमारा होगा मेमोरी इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है और उसी के अनुसार हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो वर्क करता है। तो इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज डैश। तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में इसमें से करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। तो हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी के बारे में मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में देखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्चुअल मेमोरी जो होता है एक इल्यूजन होता है बहुत सारे लार्ज मेमोरी का। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन मेमोरी। तो इन ऑप्शन में से दिए गए आपको बताना है कि कौन सा सबसे क्लोज रिलेटेड है मेन मेमोरी से। तो जो मेन मेमोरी होता है वो आपका टेम्प्रोरी होता है और वो परमानेंटली डाटा को सेव नहीं करके रखता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा टेम्प्रोरी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एडिंग मेमोरी टू ए प्रिंटर इज टू इंक्रीज डैश। तो प्रिंटर को जब प्रिंटर में जब हम मेमोरी को ऐड करते हैं तो उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको बताना है। तो जब भी हम प्रिंटर में अगर मेमोरी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रिंटर का जो स्पीड होता है उसका नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये आपको बहुत ही स्पीड में आपको प्रिंट करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंट स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द डैश इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी। तो मेमोरी के वेस्टेज को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन का लेंथ क्या होना चाहिए। तो मेमोरी के वेस्टेज को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन का लेंथ हमेशा वर्ड साइज जो होना चाहिए वो एक कैरेक्टर साइज के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी ऑफ वर्ड साइज विच इज इन मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRAM। SDRAM का फुल फॉर्म बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि रैम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंक्रोनस रैम और एक एसिंक्रोनस रैम। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सॉरी, इसमें रैम में दो टाइप्स होता है, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। और जो डायनेमिक होता है उसमें भी टू टाइप्स होते हैं, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेमोरी एड्रेसेज आर कैलकुलेटेड बाय एन
एल्गोरिदम विच इज वाइडली नोन एज। मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो एक एल्गोरिदम के द्वारा कैलकुलेट होता है, तो उस एल्गोरिदम को हम क्या कहते हैं इसमें आपको बताना है। तो उस एल्गोरिदम को हम एक हैशिंग के नाम से जानते हैं। हैशिंग बेसिकली एक प्रोग्रामेबल एल्गोरिदम होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि मेमोरी में कितने सारे एड्रेस हैं और उसमें कितने लोकेशंस हैं जिससे हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द मीन्स ऑफ स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आउटसाइड द मेन मेमोरी इज डैश। उस माध्यम को बताना है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आउटसाइड मेन मेमोरी से स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सिलरी स्टोर। ऑक्सिलरी स्टोर में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आउटसाइड द मेन मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा एक मेन मेमोरी है कंप्यूटर का? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा रैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स द स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड डैश। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं जिससे हम मेन मेमोरी के उसके एक्चुअल साइज से ज़्यादा इंक्रीज करके एक्सटेंड कर सकते हैं? तो उस टेक्निक को हम वर्चुअल स्टोरेज बोलते हैं, वर्चुअल स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोग्राम एंड द डाटा प्रोसेस्ड बाई द CPU आर स्टोर्ड इन डैश। तो जो भी प्रोग्राम होता है या डाटा प्रोसेस होता है CPU के द्वारा वो स्टोर किया जाता है कहाँ पे? तो जो भी प्रोग्राम और डाटा प्रोसेस होता है CPU के द्वारा वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी में सेव होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जो कि परमानेंटली सेव रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोग्राम इन विच द फॉलोइंग मेमोरीज कैन नॉट बी इरेज्ड। तो उस प्रोग्राम का नाम बताना है जिसमें इन दिए गए ऑप्शन में से डाटा को इरेज नहीं कर सकता है। तो रैम एक वोलाटाइल है, इसमें डाटा इरेज हो जाता है। कैच मेमोरी में भी डाटा इरेज हो जाता है, वर्चुअल मेमोरी में भी इरेज हो जाता है, बट हमारा जो रोम होता है उसमें डाटा इरेज नहीं होता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज एलिमेंट ऑफ ए स्टेटिक रैम इज द डैश। तो जो हमारा स्टोरेज एलिमेंट होता है स्टेटिक रैम में वो क्या होता है? वो एक डायोड होता है या रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है या एक फ्लिप फ्लॉप होता है? तो जो स्टोरेज एलिमेंट होता है एस रैम में, स्टैटिक रैम में, वह एक फ्लिप फ्लॉप होता है। और फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि जब भी नया वीडियो बने और अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैम एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी रोल। इस क्वेश्चन में आपको रैम के बारे में बताना है कि रैम का मीनिंग क्या होता है और इसका प्राइमरी रोल क्या होता है। तो हम लोगों ने रैम के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, रैम के डिफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कि जो रैम होता है इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका जो प्राइमरी रोल होता है ये एक मेमोरी है जो कि शॉर्ट टर्म टेम्प्रोरी डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर में। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी एड्रेसेज बिट्स आर नीडेड टू सेलेक्ट ऑल द मेमोरी लोकेशंस इन
2118 16 के इंटू 1 रैम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कितने एड्रेस बिट्स की ज़रूरत होगी इतने सारे मेमोरी लोकेशन को सेव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें टोटल एड्रेस बिट्स की जो ज़रूरत होगी लगभग 14 बिट्स एड्रेस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड डैश। तो उस स्टोरेज का नाम बताना है जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा को स्टोर करके रखता है। तो सिंपल इसका आंसर होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो कि डाटा को सेव करता है स्विच ऑफ होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ए स्टार्टअप कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, मींस रोम जो होता है वो डाटा को परमानेंटली सेव करके रखता है, और ये डाटा को देता है जब भी हमारा स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरत होता है कंप्यूटर को, और ये डाटा को डिलीट नहीं करता है जब अगर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए, तो ये डाटा को फिर भी सेव करके रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो ये मेमोरी एक रैम का टाइप्स है, और ये कौन सा होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है डी रैम, वो उससे हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है कंटिन्यूसली, तभी वो डाटा को रिटेन करके रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज डैश। तो यूएसबी टाइप जो स्टोरेज होता है डिवाइस का, वो कैसा डिवाइस है इसमें से आपको बताना है, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, टर्शियरी या प्राइमरी। तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस जो होता है वह एक सेकेंडरी डिवाइस होता है, और इसे आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डाटा के जो एलिमेंट्स होता है वो सबसे छोटा से सबसे बड़ा के रेंज में, ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसमें सबसे छोटा, उसके बाद से बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले कैरेक्टर का जो साइज होता है डाटा का वो सबसे छोटा होता है, इसके बाद फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड आता है, और उसके बाद फाइल आता है, और लास्ट में हमारा डेटाबेस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा। तो इनमें से कौन सा डिवाइस डाटा को बैकअप करने के लिए यूज होता है। फ्लॉपी डिस्क में भी हम डाटा को बैकअप कर सकते हैं। बैकअप मतलब कि अगर हमें कोई भी डाटा को सेव करके रखना हो जिसका ज़रूरत बाद में कंप्यूटर में, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कंप्यूटर में डाटा इरेज हो जाए तो उसे हम बाद में बैकअप कर सकें, यानी फिर दोबारा कंप्यूटर सिस्टम में डाल सके उसे, तो उसे बैकअप कहते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क में हम कर सकते हैं, टैप डिस्क में भी कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव से भी हम बैकअप कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाफ बाइट इज नोन एज डैश। तो एक हाफ बाइट को क्या कहते हैं। तो हाफ बाइट को, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाफ बाइट को हम निबल के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डैश।
तो मेन मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का वो डैश होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल या दोनों होता है या ऑक्सिलरी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इंटरनल, और ये इंटरनली रहता है सिस्टम में, और इसलिए इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड डैश। तो मेमोरी का जो ब्लॉक्स होता है उसमें जो कंटेंट्स होता है उससे हम क्या कहते हैं। तो उस कंटेंट्स ऑफ मेमोरी जो कि ब्लॉक सेम साइज के रूप में रहता है उसे हम रोम भी कहते हैं, ईप्रोम कहते हैं, डबल ईप्रोम कहते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल। तो उस परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में रहता है, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन जो कि पार्ट वन और पार्ट टू मिलाकर देख चुके हैं मेमोरी से, और ये सारे क्वेश्चन आपने अगर देख लिए तो मेमोरी से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रोम। रोम एक परमानेंट मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में रहता है। चलिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फिर से नए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।